दोस्तों, सनस्क्रीन की जरूरत हर किसी को हर मौसम में पड़ती है। घर से बाहर निकलते वक्त चाहे धूप हो या ना हो, सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपके चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां, दाग धब्बे और झाइयां पड़ जाएंगी। सूरज की कड़ी धूप चेहरे को काला करती है और त्वचा को क्षति पहुंचाती है। कई लोगों को तो धूप में निकलने से लाल रंग के चकत्ते भी पड़ जाते हैं। इसलिए सनस्क्रीन की जरूरत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाजार से खरीदी हुई सनस्क्रीन केमिकल बेस्ड होती है, जिससे धूप से बचाव तो होता ही है, साथ ही त्वचा पर बुरा प्रभाव भी पड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको अब बाजार से सनस्क्रीन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही घर पर इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी कई प्राकृतिक चीजें हैं जिसको मिलाकर आप सनस्क्रीन बना सकते हैं। इसे लगाने से धूप से तो सुरक्षा होगी ही, साथ ही आपकी त्वचा पर ग्लो भी आएगा। अब आइए जानते हैं होममेड सनस्क्रीन बनाने का आसान तरीका। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शिया बटर सनस्क्रीन। यह सनस्क्रीन एक क्रीम की तरह लगेगी। इसके लिए आपको आधा कप शिया बटर, 1/3 कप नारियल तेल, 15 बूंद कैरेट सीड ऑयल और 2 चम्मच जिंक ऑक्साइड चाहिए। फिर आप नारियल तेल को शिया बटर में मिलाकर अच्छे से चलाएं। फिर इसमें बाकी की चीजें मिक्स कर दें। अब इसे अच्छे से मिलाएं। यह क्रीम टेक्सचर में आ जाएगा। फिर इसे यूज करें। SPF की बात करते हैं। शिया बटर में आपको कम से कम SPF 6 की मात्रा मिल जाएगी। वहीं नारियल तेल में SPF 10 और कैरेट सीड में लगभग SPF 40 होता है। तो यह आपके लिए एक बेहतरीन सनस्क्रीन हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी स्किन में घाव, स्क्रैच या सनबर्न है, तो अपनी सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड ना मिलाएं। नॉर्मल स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस सनस्क्रीन को बनाने में जिंक ऑक्साइड को स्किप भी कर सकते हैं। एलोवेरा सनस्क्रीन। इसे बनाने के लिए 1 कप एलोवेरा जूस, 1/4 कप एवोकाडो तेल, 15 बूंद कैरेट सीड ऑयल और 10 बूंद मेरा तेल मिलाएं। इन सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं, फिर इसे यूज करें। ये सनस्क्रीन भी बेस्ट रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।